इंसान अक्सर अपने जीवन में गलती करता ही है। कभी कभी न्यूज़ चैनल पर लाइव न्यूज़ पढ़ते भी गलती हो जाती है और नेता भी गलती कर जाते हैं, पर नेता अक्सर कैमरे के सामने ही रहते हैं तो जब वह गलती करते हैं तो वह रिकॉर्ड हो जाती है। आज हम बात भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के कुछ उन वीडियोज़ के बारे में करेंगे जिनमें वह गलती कर बैठे या अनजाने में उनसे हो गई और जिस वजह से ये कुछ मज़ेदार पल बन गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह कर्नाटक में बीजेपी की विपक्षी पार्टी की आलोचना कर रहे थे, पर वह विपक्षी नेता का नाम लेने की बजाय अपनी पार्टी के नेता और सीएम येदुरप्पा का ही नाम ले बैठे। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा, अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर वन का अवार्ड देना पड़ेगा, तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवार्ड। इससे पहले भी वह ऐसा कर चुके हैं, विपक्षी पार्टी के नेता का नाम लेने की बजाय येदुरप्पा का नाम ले लिया, पर बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहा है, इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये पैसा जा कहां रहा है? कर्नाटक की जनता आपसे जवाब चाहती है। इश्यू को डाइवर्ट करने से कर्नाटक की जनता का भला नहीं होगा। दूसरा, येदुरप्पा जी कहते हैं कि कर्नाटक के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदद नहीं करती है। इसके अलावे केंद्रीय योजनाओं में सिद्धरामैया जी कहते हैं एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, दो दिन से येदुरप्पा जी के साथ हूं तो सिद्धरामैया जी कहते हैं। एक बार अमित शाह 15 अगस्त के दिन बीजेपी दफ्तर में झंडा लहराने पहुंचे, जब वह झंडा फहराने लगे तो झंडा नीचे आ गिरा। वहीं एक बार एक इंटरव्यू में अमित शाह आत्मनिर्भर भारत बोलना चाहते थे पर वह ठीक से बोल ना पाए। इंटरव्यू लेने वाली एंकर ने उनकी मदद की, आप खुद ही देख लीजिए। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। एक बार अमित शाह एक रैली में पहुंचे और स्टेज पर उनका स्वागत भी हो रहा था और अमित शाह कुछ बोलना चाहते थे, पर कार्यक्रम के होस्ट के लगातार बोलने से वह तंग आ गए और बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का, अरे यार क्या कर रहे हो? अभी आपके सामने हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी। वर्चुअल रैली में अमित शाह सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए आंकड़े दे रहे थे, तभी एक आंकड़ा देते हुए अटक गए और थोड़ा गलत बता गए। 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, बहुत सारे नेताओं की टिप्पणियां मुझे याद है, राहुल बाबा की भी टिप्पणियां याद है। बैंक अकाउंट खोल के करोगे क्या, अंदर रखोगे क्या? राहुल बाबा जिसकी दृष्टि फक्र होती है उसको फक्र ही दिखाई पड़ता है। मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करता, कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वही कहना चाहता हूँ। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमित शाह सीएए और एनआरसी को लेकर जानकारी दे रहे थे, एनआरसी फुल फॉर्म गलत बता गए। एनआरसी की फुल फॉर्म है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, और अमित शाह ने क्या बोला, साइन किया और आसाम एकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजंस रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, नेशनल सिटीजंस रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। ये कुछ वीडियोस थी जिसमें अमित शाह द्वारा अनजाने में कुछ गलती हुई हो और कुछ मजेदार पल आपको देखने को मिले। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।